इस बीच बड़ी खबर मुंबई से मिल रही है, जहां पर मुंबई में महाविकास आघाड़ी की एक बैठक 1 नवंबर को होगी। बता दें कि इस बड़ी बैठक में एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। इस बीच बड़ी खबर मुंबई से मिल रही है, जहां पर 1 नवंबर को महाविकास आघाड़ी की एक बड़ी बैठक होनी जा रही है, जिसमें कांग्रेस और एनसीपी और शिवसेना के कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। विपक्ष नेता अजीत पवार के देवगिरी बगले में ये बड़ी बैठक आयोजित होगी। विधान परिषद के 5 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव पर चर्चा होने वाली है और शिक्षक मतदान संघ के आगामी चुनाव पर भी चर्चा होगी। और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए संतोष मौर्य हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। संतोष, 1 नवंबर को महाविकास आघाड़ी की बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें कांग्रेस और शिवसेना और एनसीपी के तमाम दिग्गज नेता शामिल होने वाले हैं। क्या कुछ बैठक इस बैठक में क्या कुछ होने वाला है और क्या कुछ अपडेट है? आने वाले 1 नवंबर को महाविकास आघाड़ी की सरकार की, जो पिछले बार जो नई सरकार आई है शिंदे सरकार, उसके बाद अहम बैठक मानी जाएगी। संतोष, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तो बड़ी खबर मुंबई से मिल रही है, जहां पर 1 नवंबर को महाविकास आघाड़ी की बैठक होने वाली है। विपक्ष के नेता अजीत पवार के देवगिरी बंगले में ये बैठक आयोजित होगी। बता दें कि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के तमाम दिग्गज नेता इस बैठक में शामिल होंगे। विधान परिषद के 5 निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव पर भी चर्चा होगी और इसके अलावा शिक्षक मतदान संघ के आगामी चुनावों पर भी इस बैठक में चर्चा होगी। तो बड़ी खबर। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संतोष मौर्य हमारे साथ में जुड़ गए हैं। संतोष, 1 नवंबर को महाविकास आघाड़ी की जो बैठक होने वाली है, जिसमें कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के तमाम जो दिग्गज नेता है वो मौजूद होंगे, उस खबर को लेकर, बैठक को लेकर क्या कुछ अपडेट है संतोष? जी हाँ, जिस प्रकार से राज्य में महाविकास आघाड़ी सरकार जाने के बाद शिंदे सरकार आई है, लेकिन जिस प्रकार के पंचायत राज के जो चुनाव हुए थे उसमें महाविकास आघाड़ी को अच्छी सफलताएं मिली थी, उसी मद्देनजर इस बार जो 5 विधान परिषद क्षेत्रों में जो शिक्षक मतदान संघ के उसमें चुनाव होने वाले हैं, तो उसके संदर्भ में रणनीति और किस प्रकार से सीटें का बंटवारा होना चाहिए और कौन उम्मीदवार होना चाहिए, इसके वजह इस पर पूरी चर्चा होने वाली है। और आने वाले दिनों में जिस प्रकार से शिंदे और फडणवीस सरकार को काउंटर किस प्रकार से करना चाहिए, कौन कौन से मुद्दे उठाना चाहिए, इन सभी मुद्दों पर भी चर्चा होने वाली है। कि जिस प्रकार से महाविकास आघाड़ी जब सरकार जब बनी थी उस टाइम पे इस महाविकास आघाड़ी की एक कमेटी बनी थी और उसके बाद ये मीटिंग में तीनों पक्षों की जो कुछ मतभेद है, जो कुछ प्रश्न है, उसको सामने रखा जाता था और उसपे चर्चा होने के बाद एक मत निकालने के बाद उसके ऊपर फिर राज्य में उस प्रकार से उसको अमल बजावनी की जाती थी। लेकिन अब शिंदे फडणवीस सरकार आने की वजह से जिस प्रकार से अभी तक किसानों को ओलाव के जो बारिश की वजह से जो उनके जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई नहीं मिली है, उस पर भी चर्चा होनी है, लेकिन प्रमुख उसमें जो मुद्दा रहने वाला है आने वाले विधान परिषद चुनाव का रहने वाला है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए संतोष आपका बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर मुंबई से मिल रही है, जहां पर 1 नवंबर को महाविकास आघाड़ी की एक बड़ी बैठक होगी। विपक्ष के नेता अजीत पवार के देवगिरी बंगले पर यह बैठक होगी, जिसमें कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के तमाम दिग्गज नेता मौजूद होंगे। बता दें कि विधान परिषद के 5 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव पर भी चर्चा होगी और इसके अलावा शिक्षक मतदान संघ के आगामी चुनावों पर भी चर्चा होनी संभव है।